राजधानी शिमला के टूटीकंडी स्थित बने बालिका आश्रम में लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वीरवार तड़के एक युवती बालिका आश्रम से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। गनीमत ये रही कि ये युवती किसी हादसे का शिकार नहीं हुई। एक पुलिस अधिकारी की नज़र इस पर पड़ी और अधिकारी इस युवती को सोलन लाया और संबंधित विभाग को सौंप दिया। राजधानी शिमला के टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम से एक लड़की भागने में कामयाब हो गई, जो कि इस बालिका आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। हालांकि शिमला के इस आश्रम के अधिकारी यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा का दावा ठोकते हैं, लेकिन हकीकत जग जाहिर हो गई है। जब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है तो ये युवती आश्रम से कैसे भागी? चाइल्डलाइन सोलन की जिला कोऑर्डिनेटर अनीता शर्मा ने बताया कि वीरवार सुबह उन्हें चाइल्डलाइन हेल्पलाइन पर एक युवती के मिलने की कॉल आई। उन्होंने कहा कि एक पुलिस अधिकारी ने इस बच्ची को यहां तक पहुंचाया। अनीता शर्मा ने बताया कि इस बच्ची के साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता था। उन्होंने कहा कि अन्य लड़कियों से आश्रम में लड़ाई के बाद ये बच्ची वहां से भागने में कामयाब हो गई थी। उन्होंने कहा कि बच्ची कैसे भागी इसकी विभागीय जाँच होगी। हमें सुबह सूचना मिली थी एएसआई साहब से कि एक बच्ची है थ्रू चाइल्डलाइन की 1098 पे कि एक बच्ची है जो कि यहाँ पर मिली है हमें। तो हमने कहा कि वो ये मिली है शिमला और सोलन के बॉर्डर पे, और उस उन्होंने बोला कि ये बच्ची क्योंकि इसको नीड केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो हमने इमीडिएट उनको कांटेक्ट करके उनको बोला कि बच्ची आप, क्योंकि वो गाड़ी में आ रहे थे, उन्होंने बच्ची, हमने बोला यहाँ बाईपास पे आ जाइए आप, और बच्ची हमारे पास बाईपास पे, हमने पिक करा बच्ची को। उसके बाद बच्ची की अभी काउंसलिंग चल रही है क्योंकि बच्ची थोड़ी सी डरी हुई है, सहमी हुई है, और उस बच्ची को अब ये अब आश्रम से भागी हुई है, और आश्रम से ये आश्रम शिमला से, और अभी वहाँ पर यही देखने को मिला है कि वो बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई है, और वो उनका अभी ये नहीं हमें समझ आ रहा कि वो बच्ची निकली कैसे, क्योंकि वहाँ इतने इंतजाम होते हैं और उनमें से कैसे निकल के ये बच्ची आ गई। ये क्योंकि डिपार्टमेंट का एक वो है, वो देखा जाएगा कि कहाँ से होगी, लेकिन डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक्शन जरूर करेगा। हम रिटर्न करेंगे कि कैसे बच्ची भागी है वहाँ से। वहीं जब शिमला टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम के अधीक्षक नर्मदा शर्मा से बात की गई तो वे आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के कसीदे पढ़ने लगी। जब सवाल किया गया कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था से ये बच्ची भागने में कैसे कामयाब हुई, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ 5 मिनट के भीतर हुआ। सुरक्षा कर्मी और वे कुछ कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि आगे से ऐसा मामला पेश नहीं आएगा, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हमारे यहाँ सब सेफिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिक्योरिटी वाली भी 2 मिनट के लिए नहाने गई, जो इंचार्ज थी, मैं भी नहाने गई, और 1 मिनट और दूसरी जो होमगार्ड थी वो टॉयलेट गई। बस 2 मिनट में हुआ, पर हमें बच्ची मिल गई। पुलिस वालों का बड़ा सहयोग रहा, इंतजाम क्या है, सब कुछ है। हमारे होमगार्ड भी हैं, चौकीदार भी है, और नाइट ड्यूटी वाले भी हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं हमारे वहाँ। तो एक का भागी जी वहाँ से, ये जैसे हम प्रेयर कहिए, मैं साथ खड़ी हुई थी प्रेयर में, उसके बाद मैं नहाने गई, होमगार्ड वाली भी नहाने गई, और एक टॉयलेट करने निकली। बस उसी टाइम 5 मिनट के अंदर अंदर हुआ है सारा। तो आपका सुरक्षा विभाग सोया हुआ था जब भागी बच्ची? ऐसा नहीं है, हम ड्यूटीज रखी हुई, ग्रुप बनाए हुए हम लोगों ने, इससे बच्चे बिजी रहे। हमारे पास टीन एज के बच्चे हैं, हम इनको बिजी रखने के लिए थोड़ा बहुत करते हैं। हमारे दो स्वीपर लगे हुए हैं, सारा स्टाफ हमारे पास है, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है, सब बच्चे बिल्कुल सेफ हैं वहाँ। वो सिर्फ एक बिजी रखने के लिए बच्चों को, क्योंकि टीन एज है बच्चों की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।